हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम हेयर विद द इंग्लिश कोर्स बुक. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई एम हेयर विद द पेज नंबर 18. सो ऑल ऑफ यू, लेट्स टेक आउट योर इंग्लिश कोर्स बुक एंड ओपन द पेज नंबर 18. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग द रिविजन वर्क. And in revision work, there is going on chapter 2nd exercises, okay? So, students, now I have today's exercise, which is about phonics, okay? Phonics means word of the sound. And in the word of the sound, we have to read about, okay, students? So, we have to read about sound of Y, okay? Aaj hum log Y sound ko read karenge. So, let's start to read from here. You already know the starting sound of Y in the word like yes, hello, yeah, and you. Okay, you have the words like yes, hello, and yeah. Okay, students, you can see in these words, these all the words has been started from Y letter. देख सकते हैं आप ना, yes आपका Y letter से है, या आपका hello Y letter से है, yeah भी Y letter से है, and you, okay? एक्सेट्रा, जो भी आपके वर्ड हैं सब वाई लेटर से स्टार्ट हुए हैं. स्टार्ट नाउ. बट डिड यू नो दैट एट द एंड ऑफ अ वर्ड वाई कैन स्टिल द साउंड ऑफ आई एन ई. बट क्या आपको पता है कि अगर कोई भी वर्ड आपका होता है और उस वर्ड के एंड में, मीन्स लास्ट में, अगर आपका वाई लेटर रहता है तो वो वर्ड जो है क्या करता है, वो साउंड बनाता है. ठीक है ना, साउंड स्टील करता है. आई साउंड एंड ई साउंड, आई साउंड को और ई साउंड को वो स्टील करता है. नेक्स्ट आपका है, दैट इज़ वाई दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिस्पी डोसाज. सेंटेंस आपका है, दैट्स वाई दे वर लुकिंग टू क्रिस्पी. यहाँ देखिए, लास्ट में आपका ये जो वाई लेटर है ना, क्रिस्पी डोसाज, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम आई भी रीड कर सकते हैं क्रिस्पी, एंड ई भी रीड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्रिस्पी आपका है जो है वो लॉन्ग वर्ड है. ठीक है ना, लॉन्ग साउंड है. यहाँ देखिए, कैन यू हियर वाई से आई एंड ई. क्या आप वाई एंड आई वर्ड जो है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, कैन यू हियर वाई से आई एंड ई. क्या आप जो भी वाई लेटर के वर्ड्स हैं उसमें आप आई एंड ई के वर्ड्स को हियर कर सकते हैं? ओके, वी विल सी इन दिस एग्जाम्पल. वाई कैन मेक द आई साउंड लाइक इन क्राई आर वाई. वाई जो है वो साउंड बनाती है, ओके, आई साउंड बनाती है. एग्जाम्पल आपका है क्राई, वाई. ठीक है, तो ये आई साउंड कैसे बना रही है कि इन सारे वर्ड्स को हम लाउडली रीड कर रहे हैं ना, फास्टली रीड कर रहे हैं. ठीक है, ये आपके लॉन्ग मीन्स आपके ये शॉर्ट सॉन्ग हैं, शॉर्टली बोल रहे हैं ना, फास्टली बोल रहे हैं, क्राई, वाई, शाई. ठीक है, तो ये आई साउंड बनाते हैं. नेक्स्ट आपका है, वाई कैन मेक द ई साउंड लाइक इन क्रिस्पी आर फनी. वाई कैन मेक द ई साउंड, वाई जो है समटाइम ई साउंड बनाती है, मीन जब हमारे पास लॉन्ग साउंड के वर्ड होते हैं, लॉन्ग साउंड आपका जो वर्ड होता है उसके साथ कौन सा वर्ड बनता है, क्रिस्पी. मीन्स देखिए, लॉन्ग साउंड है, इसको हम थोड़ा सा टाइम लेकर रीड कर रहे हैं ना. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्रिस्पी मीन्स इट्स अ लॉन्ग साउंड एंड फनी ऑल्सो लॉन्ग साउंड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द एक्सरसाइजेज विच इज़ अबाउट द लेस ट्राई फोर. सो स्टार्ट करते हैं. से दीज वर्ड्स अलाउड, लिसन टू द साउंड वाई मेक्स. से दीज वर्ड्स अलाउड, लिसन टू द साउंड वाई मेक्स एंड देन राइट देम इन द करेक्ट बॉक्स. क्या करना है, इन सारे वर्ड को आपको लाउडली रीड करना है, लिसन टू द साउंड वाई, एंड आपको साउंड जो वाई के वर्ड्स हैं उनको लिसन करना है. एंड मेक्स मीन्स दे आर मेकिंग विच टाइप ऑफ साउंड, आर दे मेकिंग शॉर्ट साउंड, आर दे मेकिंग लॉन्ग साउंड. ठीक है ना, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है, एंड देन यू हैव टू राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्टली वी विल रीड टू दिस टॉपिक आर दिस हेल्प बॉक्स. फर्स्ट, सिली, क्राई, साई, फनी, सॉरी, ट्राई, एंग्री, माई, हंग्री, हैप्पी, लेडी, स्काई, फ्लाई, प्लाई, ड्राई, ओनली, टमी, एंड लास्ट वन स्पाई. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस आप देख सकते हैं यहाँ पे टू बॉक्सेस हैं. देखिए यहाँ पे टू बॉक्सेस हैं, और फर्स्ट बॉक्स में आपका वाई कैन से आई इन वर्ड लाइक, फर्स्ट वर्ड आपका जो है इसमें क्या है, इसमें जो वाई आपकी जो वर्ड्स हैं वो शॉर्ट साउंड के वर्ड हैं. ठीक है,
जो कि आई का प्रोनाउंस करते हैं, शॉर्टली हम उसको स्पीक करते हैं, शॉर्टली बोलते हैं, तो आपका हो जाएगा वाई, जितने सारे आपके वर्ड हैं शॉर्ट साउंड के, ओके, तो उसको हम इसमें राइट करेंगे, लाइक आई हैव रिटन वाई, क्राई, साई, ट्राई, माई, स्काई, फ्लाई, प्लाई, ड्राई एंड स्पाई, ओके. So these all the words, these all the short sound words I have written from this box, okay? इस box से मैंने write किया है. And next आपका है why can say e in the word, like why जो होते हैं वो long sound बनाते हैं, ठीक है, long sound में उसमें आपका जो y का pronounce है वो e बनता है, okay? That makes e pronounce. So that's why I have written long sound like crispy. Then next silly, next funny, next sorry, next angry, next hungry, next happy, okay? Next आपका क्या है? Happy, after happy, next lady, next only, and the last one you have tummy. Okay, students? Okay, students, now it was your explanation about sound of Y in E and I, okay? So now we have the exercises. So let's come to move. Let's come to see the exercises and which is on page number 19. देखिए यहाँ पे page number आपका 19 है, तो सब लोग page number 19 पे move कीजिए. We will do the exercises, okay? Exercise number 5. Use words from the previous exercise to complete these sentences. हमें क्या करना है? Just now we all have read about some previous word exercise ना? Some words we have learned which was और विच वॉज मेकिंग आई साउंड एंड ई साउंड, ठीक है ना. अभी हम लोगों ने कुछ वर्ड्स को रीड किया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, आपको उन सारे वर्ड की हेल्प से, जो भी वर्ड आपने बॉक्सेस में कंप्लीट किया है उन सारे वर्ड की हेल्प से आपको ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है. नेक्स्ट आपका है वन हैज़ बीन डन फॉर यू एंड फर्स्ट इज ऑलरेडी डन देयर, सो लेट्स स्टार्ट टू सी. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है देयर वॉज नो रैन, ओके, there was no rain means cause of not having rain the land was dry, okay, kya fill karenge, rain nahi hui thi and cause of that land jo hai wo dry ho gayi thi, to yahan pe hum fill kar denge dry, jo ki aapke previous exercise mein hum logon ne box mein fill kiya hai, theek hai. next aapka hai i have not eaten, theek hai. ha ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट इज डन, नाउ कम ऑन द सेकेंड, आई हैव नॉट ईटन, ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस यू हैव आई एम, देन यू हैव स्पेस, ओके. आई हैव नॉट ईटन मीन्स आई वॉज नॉट ईटिंग, दैट्स वाई आई वॉज फीलिंग हंग्री. सो वॉट विल यू फील देयर, विच वर्ड यू विल फील देयर, देयर बी हंग्री वर्ड, ओके. कम ऑन नेक्स्ट, दैट वॉज अ, देयर इज अ स्पेस जोक, ओके, सो देयर इज अ वर्ड लाइक फनी, हाउ वॉज दैट जोक, दैट जोक वॉज फनी. वी विल fill all the appropriate and suitable words for these sentences, clear, okay. come on next, birds, yahan dekhiye birds hai, then dash you have south in winter, okay. what do the birds, okay, in winter, especially in south, yes, birds fly south in winter, kya fill kiya gaya yahan pe, fly, fly, fly. next aapka hai my mother told me to go home, okay, and with happy. My mother told me to go home happy. What will you feel? Happy will feel, okay? Next, there are clouds that you have today. There are clouds in the, where was the clouds? Clouds was in the sky. So we will feel their sky, okay? Next, aapka hai the dash wore a big hat, okay? Who wore a big hat? Okay, the lady wore a big hat. Kya feel karenge yahan pe? The lady wore a big hat. Next, aapka hai do taxis fly on Sundays. Do taxis fly on Sundays? Next है there is only one ice cream left. There's only one ice cream left. Okay. Last one आपका है I should not have done that. Means I have not done that work. Okay. And then I am sorry. That's why I'm sorry because I should not have done that work. And then I feel what? सॉरी. देन आप यहाँ पे क्या फील करेंगे? सॉरी फील करेंगे. क्लियर है? ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट योर वर्ड पावर. ठीक है, अब हम लोग वर्ड पावर को रीड करेंगे एंड इन वर्ड पावर वी हैव फर्स्ट टॉपिक वन एंड मेनी. ठीक है,
ठीक है, वन एंड मेनी मीन्स अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वन एंड मेनी. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस ऑल्सो. थिंक ऑफ नेमिंग वर्ड्स लाइक बुक, लैम्प, कार्ड, बॉक्स, ड्रेस, बीच एंड डिस. मीन्स थिंक ऑफ नेमिंग वर्ड्स, यू हैव टू थिंक अबाउट सम नेमिंग वर्ड्स लाइक बुक, लैम्प. ओके, यहाँ पे कुछ नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, और आपको इनके बारे में सोचना है. एंड देन कम ऑन द सेकेंड पॉइंट, वॉट इज इन सेकेंड. फॉर मोस्ट वर्ड एट इज एट द एंड. मीन्स फॉर मोस्ट वर्ड मीन्स इन मोस्टली वर्ड, इन मोस्टली वर्ड वर्ड डू बी यूज फॉर मेकिंग दैट वर्ड इन मेनी. क्या यूज करते हैं हम बहुत सारे वर्ड मोस्टली वर्ड में अपने थिंग्स को मेनी में कन्वर्ट करने के लिए. फॉर मेकिंग इन प्लूरल वी एड एस. क्या ऐड करते हैं? इस ऐड करते हैं. ओके, लाइक एग्जाम्पल, यू हैव वन बुक एंड इफ दैट विल बी चेंज इन योर मेनी देन देयर विल बी योर मेनी बुक्स. क्या होगा? मेनी बुक्स. वन कार मीन्स मेनी कार्स, ओनली एस इज एडेड देयर. इन बुक ऑल्सो एस इज एडेड, इन कार्स ऑल्सो एस इज एडेड. ओके, फॉर वर्ड्स दैट इंड इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स आर ओ एट ई एस एट द एंड. ठीक है, फॉर वर्ड्स दैट इन मीन्स इफ स्टूडेंट्स इफ यू हैव द वर्ड्स एंड एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स यू हैव वर्ड्स लाइक एस आर डबल एस आर एस एच सी एच एक्स आर ओ. ठीक है ना, अगर आपके पास वर्ड है और आपके वर्ड्स के लास्ट में ये सारे लेटर्स अगर हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसमें? हम ई एस ऐड करते हैं फॉर मेकिंग दैट इन प्लूरल. उनको प्लूरल और मेनी में चेंज करने के लिए हम ई एस को ऐड करते हैं. फर्स्ट आपका है वन बॉक्स. ओके, एंड इफ वी आर चेंजिंग टू दिस इन मेनी तो यहाँ हो जाएगा आफ्टर एक्स ई एस मीन्स बॉक्सेज. वन बेंच मीन्स इन मेनी देयर विल बी योर मेनी बेंचेस. इन वन पोटैटो देयर विल बी योर मेनी पोटैटोज. यहाँ देखिए ई एस है ना, इसमें ई एस ऐड हुआ है. बेंचेज में हम लोगों ने ई एस ऐड किया है. एंड इन बॉक्स ऑल्सो देयर इज एडेड ई. यहाँ देखिए देयर इज एडेड ई. हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर द रूल्स टू मेक द थिंग्स इन मेनी फॉर्म, इन प्लूरल फॉर्म, फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस टूडेज टॉपिक आर एक्सरसाइजेस विच आई हैव एक्सप्लेन? होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंप्लीट योर टूडेज वर्कशीट इफ यू हैवन डन इन योर बुक. सो नोट इट डाउन नाउ एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन वन एंड मेनी इफ यू हैव द एक्सरसाइजेस ऑल्सो लेट्स ट्राई टू डू दैट एट योर होम. ठीक है, उसको आप लोग होम पे कीजिए, ट्राई कीजिए. एंड नेक्स्ट डे आई जस्ट गिव यू एंड सेंड यू द वर्कशीट ऑल्सो, देन यू कैन मैच योर आंसर्स एंड यू कैन मेक दैट करेक्ट वेल. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू योर टूडेज वर्क एंड कीप योर रिविजन वर्क ऑल्सो बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम फॉर योर एग्जाम. सो लेट्स बी कंटिन्यू विद योर रिविजन वर्क कॉन्सेंट्रेटली. ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.